फिरोजाबाद संदिग्ध परिस्थितियों में मिला मंदिर के पुजारी का शव। गांवों में पुजारी का शव मिलने से मचा हड़कंप। हत्या की आशंका, एसएसपी पहुंचे। घटनास्थल मामला है फिरोजाबाद के थाना एका क्षेत्र का, जहां आज संदिग्ध परिस्थितियों में शिव मंदिर के पुजारी का शव मिलने से क्षेत्र में मचा हड़कंप। वही सूचना पर पहुंची पुलिस। एसएसपी अजय कुमार ने लिया घटनास्थल का जायजा। वही ग्रामीणों ने जताई हत्या की आशंका। क्या नाम है आपका ताऊ जी? राम सरेई। एका में रहते हैं? ये जो जिनकी हत्या हो गई है, ये आपके कौन है? यानी बेटी के बेटे? क्या मामला हुआ ये? हमें तो सवेरे बाबू जी मालूम पड़ी है, मास्टर ने कही कब गए, भीड़ भाड़ माँ बहुत तो है। हमें का पतो कहाँ से मरे मिले? मरे तो मिले हमें। आपको किसने बताया सुबह? मास्टर वो जी हमारे मकान में रहता है, मास्टर ने कही कि समझ लो जो तुम्हारे देवतो तो खत्म है वो, तब हम गए। सर तो क्या देखा आपने वहाँ? हमने तो समझ लो जो मरे देखे। तो कैसे हत्या कर दी गई है उनकी? बने की ये है कि डंडा भंडा बने के बता पैसा काटती की रास्ता डंडा भंडा समझ लो जो है नाक पाक में जाने काटे का करो और खून और यूँ करके डरे नंगे डरे। बिल्कुल नंगे। थाना एका जनपद फिरोजाबाद का है। यहाँ पे आज प्रातः पुलिस को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति का शव कोठरी में पड़ा हुआ है। पुलिस तत्परता से मौके पे आई थी। जांच पड़ताल में पता चला कि ये विजय दीक्षित नाम है इनका और ये करीब 45 से 50 साल इनकी उम्र है। ये यहाँ पे मृत अवस्था में पड़े मिले। इनके चेहरे पे काफ़ी चोटें थे, शरीर पे भी काफ़ी चोटें हैं। इनको तत्काल पोस्टमार्टम के लिए इनको भिजवाया गया ताकि चोटों के बारे में जानकारी मिल सके और मौत का एकदम सही कारण भी पता चल सके। तो बॉडी को पीएम के लिए मोर्चरी भिजवा दिया गया है। शुरुआती जांच पड़ताल में जो बात सामने आई है कि इनको बाबा कहते थे और ये मंदिर में पूजा पाठ भी कहते थे। हाँ, ये बात ज़रूर चर्चा की जा रही है कि ये काफ़ी ज़्यादा नशा भी करते थे और इनके इस कोठरी से गांजा इत्यादि भी मिला है, कुछ चिलम भी मिली है, शराब का पाउच भी मिला है। तो खैर ये एक एंगल है, लेकिन कल चूँकि रात में यहाँ पर शादी थी और डीजे वगैरह बज रहा था तो कुछ संदिग्धों को हमने हिरासत में लिया हुआ है, उनसे पूछताछ की जा रही है। कुछ बहुत ही बेहद सुराग भी मिले हैं इसमें और निश्चित ही बहुत जल्द ही हम असली कातिल तक पहुंच जाएंगे और बिल्कुल सही खुलासा करेंगे ताकि किसी निर्दोष को जेल ना जाना पड़े और जो सही कातिल है उसको उसकी सही जगह पे हम पहुंचा सकें। इसके लिए पूरा प्रयासरत है। फील्ड यूनिट ने मुआयना कर लिया है, पुलिस की टीमों ने जाँच कर लिया, मेरे द्वारा स्वयं भी यहाँ पर जाँच कर लिया गया है बारीकी से। बहुत जल्दी ही हम इसका खुलासा कर देंगे और दोषी को कतई बख्शा नहीं जाएगा।